दौसा में बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के कोरोना काल में किए गए कामों को लेकर भजन लाल शर्मा ने जहां उनकी वाहवाही की, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को कोरोना काल में उचित व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विफल बताया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल है। गहलोत साहब पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। 3 महीने से वो घर से नहीं निकले हैं। आप देखिए, प्रदेश का मुखिया 3 महीने से घर से नहीं निकला हो। दूसरे लोग, दूसरा खेमा लगातार बयानबाजी कर रहा हो। ये सरकार पूर्ण रूप से पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। कोरोना के समय में जनता त्राही त्राही मचा रही है। सभी लोग, आपने देखा होगा गर्मियों में किस तरह से पानी की समस्या, पानी के लिए त्राही त्राही लोग कर रहे हैं, बेरोजगार भटक रहे हैं। किसानों को देने वाले कहने वाले ये कि हम उनको ऋण माफ़ करेंगे, किसान आज तक रो रहा है। अब किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, पूरी तरह से सरकार फेल है। राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक को लेकर बीजेपी के नेता लगातार गहलोत सरकार को नाकामयाब बताने में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार अपने ही मसले सुलझाने में असमर्थ है और जनता की समस्या सुलझाने के लिए कोई नहीं है। सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। एक मंत्री इस्तीफा दे करके आते हैं, 8 दिन बैठ करके राजधानी में जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उनकी नहीं सुनते हैं, फोन तक बात नहीं करते हैं। तो आपको देखा है कि जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति हो रही है, इससे सरकार फेल है और ये सरकार कभी भी अपने कर्मों से कभी भी जा सकती है। ये नाराज कांग्रेस को मनाने की बात में चल रही है, इस तरह देख रहे हैं आप इस सब? देखिए, देखिए आप देख रहे होंगे कि कांग्रेसी जो नाराज हैं वो इतना कह रहे हैं कि हमसे जिस तरह की स्थिति है वो उनके क्षेत्र में काम ही नहीं करना चाहते, उनके क्षेत्र में किसी तरह के काम नहीं हो रहे हैं। वो इस बात को लेकर के परेशान है कि जनता के बीच में हम जाएंगे तो जनता से हम क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री अपने चाहने वाले लोगों के तो काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के जो उनके चाहने वाले नहीं हैं उनके काम नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया, मुख्यमंत्री जी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे जितने भी विधायक हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में हर चीज़ में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो तय है कि मौजूदा समय में राजस्थान सरकार ने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। गहलोत सरकार बनने के बाद से ही पार्टी में विधायक और नेता खफा नजर आ रहे हैं। कभी पायलट खेमा विरोध पर उतर आता है तो कभी विधायक इस्तीफा देकर मैदान छोड़ जाते हैं। ऐसे में विपक्ष का सरकार पर होना लाजमी है। खैर, राजस्थान सरकार को अब विपक्ष के तंज झेलने की आदत हो गई है। हर साल राजस्थान कांग्रेस में एक नया ड्रामा देखने को मिलता है, जिसका अंत भले ही सरकार के पक्ष में होता है लेकिन विपक्ष भी इस ड्रामे का भरपूर आनंद उठाता नजर आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से अश्विन पांडे की रिपोर्ट।